तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में गूगल कीबोर्ड के कुछ ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि आप में से सभी फ्रेंड्स हैं जो कि अगर फोन एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो उसमें आप गूगल कीबोर्ड को आप यूज करते हो, लेकिन आप गूगल कीबोर्ड के अंदर में कुछ ऐसे शॉर्ट तरीके हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट सेटिंग हैं जो कि आप में से बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बिल्कुल नहीं जानते। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स अपने गूगल कीबोर्ड के ही अंदर में फ्रेंड्स आप चाहें तो यूट्यूब भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे ऐसे जानकारी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स जो कि गूगल कीबोर्ड के अंदर में ही है, तो इस वीडियो को आप फ्रेंड्स आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं किस तरह गूगल कीबोर्ड के अंदर में ये सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा स्क्रीन है जो कि ऑन हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं अपने गूगल कीबोर्ड को मैं जो यूज करता हूँ अपने फोन में, तो अभी ज्यादातर सभी लोग गूगल कीबोर्ड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना नोटबुक में आ जाता हूँ। नोटबुक में आ जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मान के चलिए मैं यहाँ पे नोट उठा लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मान के चलिए यहाँ पे आपको कोई भी, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे छोटे अक्षर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फ्रेंड्स यहाँ पे छोटे अक्षर में लिखा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इसको डायरेक्ट इसको जो बड़े अक्षर में करना चाहता हूँ, तो इसको ऊपर आप इस तरह क्लिक करके रखें। यहाँ पे जैसे आप पूरा इसको ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसको ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको बड़ा अक्षर है जो कि यहाँ पे हो जाएगा, सभी हो जाएगा बड़े अक्षर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आपके सभी है जो कि बड़े अक्षर में हो गया। अब मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डायरेक्ट बड़े अक्षर में हो गया, या फिर ये हो गया फ्रेंड्स मान के आप अपने ये जो कर्सर है आपका कर्सर है जो कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जो कि मान के चाहे मेरे को बीच से एफ है उसको हटाना है, तो इसको आप हटाते थे तो कैसे हटाते थे, यहाँ पे इस तरह उंगली करके इस तरह करते थे तो कई बार होता था या नहीं भी होता था, यहाँ पे इस तरह के उसके बाद यहाँ पे कट करते थे नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको अपने कर्सर को यहाँ से कंट्रोल करना, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस तरह इसको कंट्रोल में कर रहा हूँ। अब मैं जिस भी अक्षर को यहाँ पे मैं चाहूँ डिलीट करना है या फिर जिस भी अक्षर को यहाँ पे मैं हटाना चाहूँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं मान के इस जी को हटाना चाहता हूँ तो मैं इस जी को इस तरह मैं हटा सकता हूँ। तो ये है जो कि गूगल कीबोर्ड के अंदर में शॉर्ट तरीका है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बता दूँ, जैसे कि फ्रेंड्स मान के आप अपने गूगल कीपैड में आप चाहते हैं यूट्यूब चलाना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब चलाने के यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थ्री डॉट है, थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक कर दे, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यूट्यूब लिखा हुआ आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब मैं थ्री डॉट पे आ जाता हूँ दोबारा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं कीबोर्ड के ही अंदर में यूट्यूब में यूज करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं यूट्यूब अपना खोल दिया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे मान के तो मैं अपना ही चैनल को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा ही चैनल का है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इस चैनल को बहुत ही आसानी से मैं यहाँ से मैं क्रिएट करके यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मैं इस चैनल का जो भी टाइटल है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यूट्यूब में वो सारा का सारा यहाँ पे मेरा शो कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा। इस तरह अगर आप भी कोई भी कीवर्ड को चाहते हैं उसको नोट करना अपने नोटबुक में, तो जस्ट गूगल कीवर्ड के जरिए आप यहाँ से बहुत ही आसानी से शॉर्ट तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थ्री डॉट पे फिर से आ जाए, थ्री डॉट पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप सर्च वाले कोई भी कस्टमाइज आप यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप चाहते हैं इसको सर्च वाले के यहाँ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं सर्च वाले को यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं मैक वाले आइकॉन को यहाँ पे इसको हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं मैक वाले आइकॉन को भी हटा देता हूँ। तो इस तरह बहुत ही आसानी से अपने गूगल कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे इसमें सेटिंग है जो कि अगर मैं पूरा सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड्स तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का गूगल कीपैड से और भी जानकारी देते हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन घंटी को दबा दो। दोस्तों जब आप बेल आइकन घंटी को दबाएंगे तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसको पर क्लिक कर देगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स जब भी मैं इस तरह का कोई भी वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन है जो कि मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।